हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स हम स्टूडियो में SSGD कॉन्स्टेबल के एडमिट कार्ड के बारे में दोस्तों बात करेंगे। आपको अपना एडमिट कार्ड दोस्तों कैसे डाउनलोड करना है, और फ्रेंड्स आपको एग्जाम डेट टाइम दोस्तों आपको क्या सावधानियां बरतनी है, ठीक है। आपको एग्जाम टाइम में दोस्तों क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाने हैं, तो फ्रेंड्स हम सारे डिस्कस इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। आपका ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपना गूगल ओन कर लेना है। यहाँ पर आपको फिलअप करना है सरकारी रिजल्ट .com। दोस्तों आपको ये साइट ओपन कर लेनी है, तो मैं साइट ओपन कर लेता हूँ ये, ठीक है। फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे सरकार रिजल्ट .com, आपको इस साइट ओपन कर लेनी है गाइज, ठीक है। जब आप साइट ओपन कर लेते हैं आप नीचे आ जाइए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर पे SSGD कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड 2019, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अभी। जब आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे SSGD कॉन्स्टेबल रिक्वायरमेंट ऑनलाइन एग्जाम डेट, आपको फ्रेंड्स इस पेज पे आ जाना है। तो आप फ्रेंड्स को आपको पता ही होगा आपका जो पेपर स्टार्ट है दोस्तों 11 से आपके पेपर स्टार्ट है, 11 मार्च तक आपके पेपर चलेंगे, मतलब पूरे एक महीना आपके पेपर चलेंगे दोस्तों ये, ठीक है। और इसमें आपकी पोस्ट की बात की जाए फ्रेंड्स, आपकी पोस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे 54,953 आपकी टोटल पोस्ट दी गई है दोस्तों, ठीक है। आप इस पोस्ट को देख लीजिएगा, नीचे आ जाइए। आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड CR रीजन, डाउनलोड एडमिट कार्ड MPR रीजन। दोस्तों आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं आपको इस रीजन पे क्लिक के सामने, आप देख रहे हैं क्लिक हेयर, इन सब के सामने क्लिक हेयर लिखा हुआ है। अगर आप NR से हैं तो यहाँ पे NR के सामने क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, अगर आप किसी और जोन से हैं तो आप यहाँ पे अदर जोन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं NR पे क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स अभी, ठीक है। जब NR पे क्लिक कर लेते हैं फ्रेंड्स, आप नीचे आ जाइए। आप फ्रेंड्स देख रहे हैं, जब फ्रेंड्स आप NR पे क्लिक कर लेते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट एप्लीकेशन स्टेटस, तो फिर नीचे आ जाइए। फ्रेंड्स अगर आपके पास आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी भर सकते हैं, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप अपना रोल नंबर भर सकते हैं। अगर पास रोल नंबर भी नहीं है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इफ़ यू डोंट नो योर रोल नंबर, अगर पास दोस्तों कुछ भी नहीं है ना आपके पास ईमेल आईडी है ना आपके पास रोल नंबर है, तो आप थर्ड ऑप्शन पर आ जाना। आपको दोस्तों यहाँ पे आपको फिलअप करना अपना नाम, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप कर लेने हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेता हूँ अभी। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने बाद दोस्तों आप नीचे देखिए सर्च स्टेटस, आपको सर्च स्टेटस पे क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ फ्रेंड्स अभी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर फ्रेंड्स आपको ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। नेम आपको दिया मिलेगा, ठीक है। फादर नेम मिल जाएगा दोस्तों आपको, आपका DO भी मिल जाएगा। आपका पेपर दोस्तों कौन सी डेट में होना है और कहाँ पे कौन सी सिटी में होना है, दिल्ली या होना या बिहार होना है, जहाँ भी आपका पेपर होना है दोस्तों आपको वहाँ का एड्रेस मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर एड्रेस नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, लेकिन आपका जो एग्जाम सिटी है वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। और दोस्तों कई को प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे, तो फ्रेंड्स आपके एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होंगे दोस्तों एक या मतलब कम से कम 3 या 4 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे दोस्तों। ये बस इसमें मतलब दिखा रखा कि 1 हफ्ते पहले डाउनलोड होंगे, लेकिन 1 हफ्ते पहले डाउनलोड नहीं हो रहे हैं ये मान लो कम से कम 3 या 4 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इनकम्प्लीट फॉर्म के बारे में, ठीक है। कई फ्रेंड्स फॉर्म फ्रेंड्स ये इनकम्प्लीट भी हुए हैं, ठीक है। तो आपको दिखा देता हूँ मैं, आपको कैसे ऑप्शन शो हो रहा होगा शायद, एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों, ठीक है। मैं दोस्तों दोबारा से भर लेता हूँ इसमें एक बार। फ्रेंड्स आपको सर्च पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे ना आपको नाम दिया गया है, ठीक है। अब निवास आपको नाम मतलब सब कुछ अपने नाम चेक कर लेना है, ठीक है। आप नीचे देखिए रिमार्क इन कम्प्लीटेबल एप्लीकेशन, कई मेरे फ्रेंड्स को ये मतलब ऑप्शन शो हो रहा होगा दोस्तों, जिन जिनको ये फॉर्म मतलब जिन जिनको ये शो हो रहा है दोस्तों उनकी मतलब फॉर्म में कुछ ना कुछ मिस्टेक या मतलब कईयों को मतलब वैसे आ रखा है कि उनकी मतलब कोई मिस्टेक किसी ने करी भी नहीं है ना, मतलब उनका भी ये फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए सोल्यूशन दोस्तों उन्होंने डाल दिया है नेट पे, ठीक है। आप इसके आप उसकी साइट पे जाके SSC वाले पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, उन्होंने बोला फ्रेंड्स 8 तारीख से पहले पहले आपका सोल्यूशन हो जाएगा इस बात का, ठीक है। जिनके भी इनकम्प्लीटेबल एप्लीकेशन आ रखे फ्रेंड्स उन सबका एडमिट कार्ड आ जाएगा 8 तारीख से पहले, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड पक्का आएगा, 100% आएगा, ठीक है। उनकी तरफ से दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट करें, ठीक है। आपको किसी भी आप किसी बात में कुछ डाउट फील होता है, आपको किसी बात में मतलब गलत लगता है कि ये बात नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करें फ्रेंड्स। इतना वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो भी SSGD में लगना चाहते हैं फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं SSGD से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।